हेलो स्टूडेंट्स, लाइट एंड रिफ्लेक्शन का चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर 9 चल रहा था साइंस का। ये लेक्चर नंबर 2 होगा, सेकेंड होगा लेक्चर नंबर। क्लास 10th फॉलो की जा रही है और क्लास 10th का साइंस बुक फॉलो किया जा रहा है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इनके बीच में आज सारा डिफरेंस आपको क्लियर करवा दूंगा। और एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, देखो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता, बट इतना बेनिफिट होता है कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेट होता है, और थोड़ा सा दोस्तों को शेयर कर दो। और उन सभी को एक रिक्वेस्ट करो कि वो लोग भी व्हाट्सएप चैनल आके ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल पे आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि वहां पे आके आप देख जितने भी वीडियोस आएंगे उसका लिंक्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, और भी बहुत कुछ यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके जो भी डॉट होंगे उन सारे डॉट को सॉल्व करने की कोशिश हमारी टीम करेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप चैनल का, तो कृपया करके वहां ज्वाइन कर लें। अब आगे आते हैं। देखिए ये सारे हम लोग टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। पहला तो वर्चुअल एंड रियल इमेज, और एक हम लोग कवर करेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ चुके थे यहां तक, कल तक हम लोगों ने यहां तक कवर किया था। एक मैं हल्के में बता दूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, जिसमें से एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई इंसिडेंस, यहां से एंग नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच को एंगल आई बोला जाता है, और एंगल आर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को के बीच के एंगल को आर बोला जाता है। नॉर्मल क्या होता है? मिरर के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोला जाता है। ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या कहता है? पहला लॉ तो ये हो गया कि ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पहला। दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे आएंगे या फिर एक प्लेन पे आएंगे। ठीक है, ये दूसरा लॉ है, लाई इन सेम प्लेन। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज के बीच का डिफरेंस। तो इससे बड़ा सवाल है कि इमेज आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप लोग मिरर के सामने खड़े होंगे, इमेज शीशे के सामने जब भी खड़े होंगे, तो आपका एक हूबहू एक चेहरा इमेज वहां शीशे में बन रहा होगा, उसी को इमेज बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब साइंस के लैंग्वेज में तो इमेज वो नहीं होता ना। देखो हम, मैं इमेज के बारे में थोड़ा समझाता हूँ डीपली। क्या होता है कि मान लो कि ये मिरर हो, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के पीछे ये पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस को जब भी मार्क करना होता है हम लोग इस टाइप से मार्क कर देते हैं, जिधर ये इधर जो ये है इसका मतलब है पॉलिश सरफेस है। ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जैसे कि मान लो कि तुम यहां खड़े हो, ये तुम हो, ठीक है। अब देखो तुमसे जो क्या होता है कि तुमसे लाइट टकराती है। ठीक है, अब जो भी लाइट टकराएगी वो टकरा के रिटर्न तुमसे सोर्स के थ्रू निकलेगी। ठीक है, तो ये जब निकलती है तो यहां तुम्हारे कितने बंचेस ऑफ लाइट है? तो यहां पे है मिलियन बंचेस ऑफ लाइट। एक ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रेज निकलती है? मिलियन रेज निकलती है। अब क्या होता है कि जब तुम्हारा इमेज बनना होता है तो उनमें से कोई भी दो लाइट, ओनली टू लाइट, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम मिनिमम टू लाइट और मैक्सिमम इंफिनिटी। ठीक है, कम से कम दो लाइट अगर किसी एक पॉइंट पे टकरा रहे होंगे, ठीक है, तो जहां पे भी टकरा रहे होंगे वहां पे जो इमेज बन रहा होगा उसी को बोला जाता है इमेज। इमेज क्या होता है कि जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसे जो लाइट रेज निकल रही है वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी उस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होता है, या फिर उसी को इमेज बोला जाता है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या था, क्या लिखा था हमने डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हमने ये लिखा था, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट, यानी कि उस पॉइंट पे कम से कम ऑब्जेक्ट से निकली हुई दो लाइट रेस मीट कर रही हो और
ऐसा लग रहा हो कि वो मीट करने वाली हो, तो उसे बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, उसे इमेज बोला जाएगा। अब देखो यहां पे दो बातें हो गई, अपीयर टू मीट और एक्चुअल टू मीट, एक्चुअल मीट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत खतरनाक है। यही है एक्चुअली जब मीट करता है, इसी को बोला जाता है रियल इमेज। अब ये पूरा डिटेल में कवर करूंगा। और ये जो अपीयर टू मीट होता है, इसी को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। देखो इमेज क्या होता है, सीधा बात, कि जब भी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रेस निकलती है और वो मिरर से टकराती है, तो जो मिरर के टकराने के बाद तो वो डाइवर्ज चाहे कन्वर्ज तो होगी ना, तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा होगा उस पॉइंट को बोला जाएगा इमेज। अब वो चाहे तो ऐसा फील हो कि नहीं ये यहां से निकल रहा है, या फिर ऐसा फील हो कि वो रियली मिल रहा हो, ये डिपेंड करता है कि वो मिरर कैसा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है मिरर कैसा है। तो उसी को बोला जाता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखो इमेज तो समझ गया, इमेज का दो पार्ट होता है, एक होता है रियल इमेज यानी कि एकदम रियल इमेज है, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, जैसे कि समझो कि ये मैंने कनकेव मिरर बनाया, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बस इतना समझो कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मान लो कि ये तुम खड़े हो या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, इससे लाइट रेज निकलेंगी। अब ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, मैं बताऊंगा कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। अब ये टकराएगी, ठीक है, और ये टकराएगी और ये इधर कहीं अपना इमेज बना देगी, ये तुम्हारा पैर हो गया, ये तुम्हारे हाथ हो गया, ये तुम्हारे माथा हो गया, ये जस्ट अपोजिट। अब देखो बात समझो, ये जो लाइट रेज है, ठीक है, वो लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद ये रियल वाले लाइट रेज हैं, ये रियल वाले लाइट रेज हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट रेज हैं ये कहां बन रहे हैं, ये रियली में टच हो रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाएगा रियल इमेज। यानी कि क्लियर हुआ, यानी कि ये जो लाइट रेज है वो जो सोर्स से लाइट रेज निकली हुई है वही लाइट रेज टकराई हुई है, ठीक है, यानी कि जो सोर्स से निकला वही लाइट रेज अगर टकराएंगी तो उससे बोला जाएगा रियल इमेज। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब ये मान लो कॉन्वेक्स कनकेव मिरर पर एग्जांपल लूं मैं, एक मिनट के लिए, कॉन्केव मिरर में भी एक ऐसा पॉसिबल होता है। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये पॉलिड सरफेस हो गया। अगर मैं यहां पे एक इमेज खड़ा करूं, ठीक है, और इससे जब मैं एक इमेज को निकालू, ठीक है, तो वो थोड़ा इधर होके कन्वर्ट होके चला जाएगा, और जब मैं दूसरा इमेज भेजू तो वो थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट होकर चला जाएगा, तो क्या ये दोनों मिल रहे हैं, नहीं। तब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि कहीं ना कहीं पीछे मिल रहा होगा, देखो, और फिर ये हम लोग ऐसे करके इन दोनों को मैच करवाते हैं, और ये यहां पे मैच किया तो हम लोग बोल देते हैं कि देखो इमेज जो है सो यहां बना है, ये इमेज है। लेकिन क्या ये रियल इमेज है, नहीं, क्योंकि रियल जो रियल लाइट है वो तो इधर डाइवर्ट हो गए हैं ना, ये रियल लाइट तो इधर भाग गए हैं, इनसे जो सोर्स से लाइट निकल रही है, देखो ये सोर्स से जो लाइट निकल रही है ये तो इधर चला गया, ये वाला सोर्स से लाइट निकला वही तो इधर चला गया, तो बन कहाँ रहा है, बन रहा है मिरर के पीछे, और ये मिरर के पीछे बना हुआ है, और ये कैसा बना है ये हमें, हम लोग यहां से फिर देखेंगे कि हमारा इमेज किधर बन रहा है, हमारा आइज यहां होगा, तब हम लोग इमेजिन कर पाएंगे अच्छा ये कहीं ना कहीं पीछे से मिल के आ रहा होगा। यानी कि 100 बात की एक बात, जब भी मिरर के पीछे बने ना उसे बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, या रियल रियल लाइट रेज, देखो ये जो सोर्स से लाइट रेज निकल रही है वो अगर रियल में मिल रहा है उसे बोला जाएगा रियल इमेज, और अगर वो नहीं मिल रहा है, डाइवर्ज हो जा रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि वो इमेज के पीछे से लाइट आ रही है तो उसे बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है। दोनों के बीच में यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस है ही नहीं। देखो अब इनके बीच का डिफरेंस समझो, पहला फॉर्मेशन वेन लाइट एक्चुअली मीट, मैंने अभी जस्ट समझाया कि जब ये लाइट एक्चुअली मीट कर रही होगी, ठीक है, जब ये लाइट रेज सोर्स वाली लाइट रेज ही मीट कर रही होगी तो उसे बोला जाएगा रियल इमेज। फॉर्मड वेन लाइट अ
अपीयर्स टू मीट, ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो मिल रही हो, कहीं इमेज के पीछे से लाइट आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी समझाया, ठीक है, ये वाला, ये ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे कि ये इमेज के पीछे से आ रहा हो लाइट, और ये मिरर के पीछे से, सॉरी इमेज के पीछे बोल रहा हूँ, मिरर के पीछे से। दूसरा पॉइंट क्या है, कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे बन सकता है, यानी कि देखो अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूँ, ठीक है, तो क्या यहाँ पे इमेज बनेगी? इमेज बनने के लिए दो पॉइंट को मिलना जरूरी होता है, यहाँ तो इमेज बनेगी ना, क्योंकि ये तो डिस्टेंस देखो, ये तो हर एक दिन बढ़ रहा है, हर एक टाइम बढ़ रहा है, तो ये तो स्क्रीन पे लाएगा ना, और तुम तो इमेज मिरर के पीछे तो स्क्रीन ला नहीं सकते, ये सब पॉसिबल भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते कि कभी तुम मिरर के पीछे स्क्रीन ला सकते हो, स्क्रीन इन द सेंस की पर्दा। अब देखो इट कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज जो है ना, यानी कि जो रियल इमेज है ये वाला, ये रियल इमेज है, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ला सकते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ स्क्रीन लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, तो ये जो है ना यहाँ पे दिखने जाए, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी यही यही होता है, प्रोजेक्टर को भी हम लोग यहाँ पे लाते हैं, वो स्क्रीन पे लाते हैं, और यहाँ पे हमने एक पर्दा लगा दिया, पर्दा पे जैसे ही दो लाइट रेज मीट करेंगी वैसे ही यहाँ पे इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, ये तो मिरर के पीछे बन भी नहीं रहा, ठीक है। फिर एक क्या, इट कैन ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे, इट कैन नॉट ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज जो होता है ना कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो मैंने अभी समझाया कि यहाँ पे अगर तुमने स्क्रीन भी लगाया, ठीक है, यहाँ पे तुमने स्क्रीन भी लगाया तो यहाँ तो लाइट रेज मिल ही नहीं रही, और इमेज का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम दो लाइट रेज जो सोर्स से निकल रही है वो टकरा रहा हो, चाहे तो वर्चुअली चाहे तो रियल में, तो उसे क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा। तो यहाँ तो मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ तो तुम लाइट भी अगर लगाओगे, यहाँ सॉरी स्क्रीन भी लगाओगे, तो यहाँ तो तुम्हारा इमेज बन भी नहीं रहा, ठीक है, तो बनेगा कहाँ, इधर, तो इधर तो तुम लगा भी नहीं सकते क्योंकि मिरर का पीछे का पोर्शन है, तुम इमेजिन करो कि मिरर के पीछे तुम कैसे लगाओगे, वो तो उसका थिकनेस मिलीमीटर में भी नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा है। इन्वर्टेड होता है, देखो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, रियल इमेज इन्वर्टेड, देखो इन्वर्टेड है ये इमेज जो है, इन्वर्टेड है ना, ये उल्टा है, तो मैंने इमेज ऐसा कुछ बनाया हुआ है, याद करो उल्टा है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा। अब देखो ये जो इमेज था मेरा वो सीधा था ना, इसका इमेज देखो भले इमेज है पर वो तो सीधा है, ये सीधा है, ठीक है। एग्जाम्पल इमेज फॉर्म बाय सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, देखो मैंने अभी सिनेमा स्क्रीन के बारे में बताया ना, अभी जस्ट मैंने बताया सिनेमा स्क्रीन के पे भी रियल इमेज बनते हैं, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनते हैं, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज बनते हैं, और कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और याद रखना दोस्त कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गया होगा, कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक केस में बनता है कि वो जब फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हो, और ये मैं बताऊंगा फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को बोल रहा हूं मैं, सॉरी पोल, पोल और फोकस के बीच में अगर तुमने इमेज को रख दिया तो वो पक्का तुम्हारा किधर बनेगा, इधर बनेगा, मिरर के जस्ट पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच का। अब देखो हम लोग कल पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं आज यहीं छोड़ रहा हूँ, अब केवल बस इतना समझो कि आज मैंने सिर्फ यही बताया रियल वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और मैं बाकी कुछ नहीं समझाया, एक मैं शॉर्टकट बता दूँ, इमेज वैसे पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पे सोर्स से आई हुई लाइट, दो लाइट अगर मिल रही हो तो उसे हम लोग बोलेंगे इमेज, इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ये रिविजन करवा रहा हूँ ना, ठीक है। अगर लाइट रेज जिस सोर्स से आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर मिल रही हो, ठीक है, और वो रियल वाली लाइट अगर मिल रही हो तो उसे बोला जाएगा क्या बोला जाएगा, व्हेन लाइट फॉर्म एक्चुअली मीट, उसे रियल इमेज बोलेंगे, और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि वो तो कहीं स्क्रीन के पीछे से चल रही है, ठीक है, तो उसे बोला जाएगा वर्चुअल इमेज, ठीक है, इसे हम स्क्रीन पे ला नहीं सकते, इसे स्क्रीन पे ला सकते हैं, ये उल्टा होता है और ये सीधा होता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिनेमा हॉल, ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये तीनों में होता है दोस्त, ये मिरर के मिरर में भी होता है, प्लेन मिरर में होता है, कनकेव कन्वेक्स मिरर में तो होता ही होता है, और ये कनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में होता है,
ठीक है। और वो केस कौन सा है? वो केस है जब वो तुम्हारा पोल और फोकस के बीच में अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो, ठीक है। तो कुछ ये डिफरेंस था तीनों के बारे में। आज के टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं। और थोड़ा सा मतलब हीट करो यार सब्सक्राइब बटन को, और दोस्तों के पास शेयर करो। मुझे भी थोड़ा सा चाहिए मोटिवेशन मिलता है दोस्त इस टाइप से, वो इतना टाइपिंग करना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप लोगों का, दोस्तों को शेयर करो। और किसी को एडमिन बनना है तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके मैसेज करो मी एज अ एडमिन, ठीक है। मैं उसे एडमिन बना दूंगा, और वो अगले 4-5 दोस्त जिसको भी ऐड करना चाहते हो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर सकते हो। बट व्हाट्सएप ग्रुप पे सिर्फ क्वेश्चन वगैरह ही पूछोगे, और जो दिक्कत हो रही है वही पूछोगे। ज़्यादा मतलब नौटंकी मत करना, अदरवाइज मैं तुम्हें रिमूव मारने में देरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप को। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, कीप योर सेल्फ सेफ।